नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार जिले के बदनौर विधानसभा में पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क हेतु 1563 एकड़ भूमि चयनित की गई है, इसका विरोध प्रारंभ हो गया। 10 गांव के 1000 लोगों ने जमीन बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले टेक्सटाइल पार्क का विरोध करते हुए बदनावर नगर में रैली निकाली, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। 1563 एकड़ में विकसित होने वाले टेक्सटाइल प्रोजेक्ट को निरस्त करने की मांग की गई। वही प्रोजेक्ट निरस्त नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। इस आंदोलन में ग्रामीणों ने केंद्र सरकार मध्य प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़े किया। आपको बता दें कि गंधवानी में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी पहुंचे थे। पीएम मित्रा पार्क का भूमि पूजन किया गया, एमओयू साइन किया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि बेघर होने वाले गरीबों के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई है। वही स्थानीय लोगों को पूर्व में भी यहाँ उद्योग लगे हुए हैं, उन्हें रोजगार नहीं दिया गया है। देखिए खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। जय जोहर। जैसा कि हम सबको विधि और कार्यवक्ताओं ने बताया है कि एक प्रधान नहीं होता है तब तक हम लोग तुम्हारे ये योजना फोजना सब तुम्हारे ऑफिस में रखो और बंद कर लो। हम गांव से इधर नहीं आने वाले, आंदोलन करेंगे। और जितने भी आदिवासी लोग हैं इस बदनावर में ऐसी कोई जगह नहीं बचेगी। इतने दुनिया मेरों के मरद नीमक की रोटी खा लूंगा और काले खोल दो मेरे किया हूँ। महामहिम राष्ट्रपति महोदय को गठित करने के लिए बाकी सब बैठे रहे। अभी जो भी बात है तहसीलदार साहब आपको बताएंगे। आज हमने जो ज्ञापन दिया है जिसमें जो भेसोला के प्रधानमंत्री मित्र मेगा टेक्सटाइल नामक जो प्रोजेक्ट हुए हैं जिसमें 1563 एकड़ जमीन जा रही है गरीब आदिवासियों को और सारे गांव के लोग उठकर आए हैं और उनका कहना है कि हमारे यहाँ कोई प्रोजेक्ट नहीं लगे, हमारी जमीन और हमारा जीवन यहाँ पर यथावत हम जीवन यापन करेंगे, किसी प्रकार का कोई प्रोजेक्ट और कंपनियां यही स्थापित नहीं होने देंगे। ग्रामीणों का कहना है कि हम हमारी जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे, ये इनका कहना है। और ये पूरी ताकत से एक एक घर से व्यक्ति आया है और शासन को अवगत कराया है और उनका विरोध दर्ज है। अगले यदि इसमें कोई ठोस कार्रवाई नहीं नजर आती है तो जमीन बचाओ आंदोलन ये संघर्ष समिति के साथ ग्रामीणों के साथ मिलकर एक बहुत ही व्यापक और विस्तृत उग्र आंदोलन यहाँ पर किया जाएगा जिसकी सारी जवाबदारी सरकार प्रशासन की रहेगी। कर रहे हैं एक तरफ प्रोजेक्ट बनाते हैं वन विभाग वाला भी जो फर्जी कॉन्सेप्ट है। अरे हमारे पाप दादा ने आयु काकड़ खींच दी थी कि ये काकड़ में यो गांव है वहां जो वही गांव है तो बस मैं जंगलात कहा आई है ना जंगलात तू बाकोन अरे जंगलात तू बाकोन अरे सरकारी जगह नु बाकोन अरे सीएम साहब कलेक्टर साहब सरकारी जगह बाल लावी नाप दो त्या मैं तुम्हारा जगह आल दा जंगल जमीन के रखवाले आदिवासियों के साथ यह प्रदेश की सरकार अत्याचार कर रही है। इस मालिक से जमीन छीन रही है। हम आदिवासी भी हमारा खून झुकने वाला नहीं है, हमारा खून लड़ने वाला है। हम लड़ेंगे, हमारा जो क्षेत्र की एक इंच भी जमीन हम शासन प्रशासन को नहीं देंगे, इस प्रदेश की सरकार को नहीं देंगे। लड़ेंगे, जीतेंगे और हमारी जमीन बचा कर रहेंगे। एक इंच की जमीन हम देने के लिए तैयार नहीं है कि हमें हिम्मत ना करें अगले कार्यक्रम के लिए। हम चाहते हैं कि इसी कार्यक्रम में हमारा निराकरण हो जाना चाहिए तो मैं इसी कार्यक्रम में निवेदन ये दुनिया मेरों के मरद नीमक की रोटी खा लूंगा और काले खोल दो मेरा थोड़ा थोड़ी बनेगा मुँह भी खड़े रहेगा बाकी हमारे जमीन से के ना फेटरी डलवा दूंगा तो ना डलवा दूंगा और लड़ाई लड़ूंगा मरूंगा ना। उन जंगल में झुपड़ी है मेरी, वर्षा भी उड़ रही है, देख लीजिए सब पब्लिक आई कुछ काई भी है मेरा पढ़ी लिखी भी है
गांव के से लड़ने में नहीं लड़ूंगा, गांव की लड़ूंगा, बाकी मैच जी प्रोकारी मैच जीता है। मैं बोल तुम के मां गले के फांसी लगावन नहीं दीता था, जनता ये आदिवासी गरीब गुरबा है, हमारे बोर्ड दीदा हमारी सहयोग देगा, सहयोग काम दे, हमारे गले पर फांसी लगा दी दिए। हमारे नहीं जानना ठूबल है सरकारी सरकारी तो हमारा बात की पटाबंदी, हमारा बात की नीति, हमारा बात की